सीपीआईएम ने कुसुमटी में फूंका चुनावी बिगुल, डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर के समर्थन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीपीआईएम लोकल कमेटी कुसुमटी इकाई ने कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर के समर्थन में कार्यक्रम के साथ औपचारिक तौर पर अपना चुनावी अभियान शुरू किया। कार्यक्रम में कुसुमटी की 36 ग्राम पंचायतों और मर्ज एरिया के 14 वार्डों के लोगों ने भाग लिया। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर ने कहा कि कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहां के नौजवानों में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की अनदेखी के कारण यह क्षेत्र 75 वर्षों तक पिछड़ा रहा। दोनों दलों की सरकारों और जनप्रतिनिधियों ने कभी यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं किया। डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर ने कहा कि झूठों की लड़ाई बंद हो गई है, लेकिन अब कुसुमटी में कांग्रेस और भाजपा आपस में लड़कर उसकी कमी पूरी कर रहे हैं। दोनों दलों ने कुसुमटी में विकास पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के काम को रोकने की ही कोशिश की है। आज कुसुमटी लोकल कमेटी ने कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र का एक समागम रखा था। हम बहुत धन्यवादी हैं कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमदर्द हैं, क्योंकि जो हमारी 36 ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र के अंदर, शिमला ग्रामीण तहसील, जुनगा तहसील और जो ठियोग तहसील की हैं, और उसके अलावा जो शिमला अर्बन तहसील के जो 14 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड है, हर यूनिट से आज यहाँ पर लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे, हमारे हमदर्द आए थे। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और वो भी सभी लोग जो आज नहीं आ पाए, क्योंकि ये एक इंडोर प्रोग्राम था तो इसमें सीमित लोग ही 500-600 से ज़्यादा नहीं आ सकते थे। आज जो मुख्य मुद्दा इसके अंदर उठ कर आया और लोगों की समझ के अनुसार जो इस क्षेत्र के अंदर जो आने वाले समय की जरूरत है, वो उनकी जो लाइफ लाइन है वो है कि जो लिंक रोड्स है, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग जो एक सब्जियां पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं, जो छोटे छोटे काम जो टूरिज्म और बाकी चीज़ों के साथ जुड़े हैं, उनको आवाजाही में बहुत ही मुश्किलें आती है। या तो रोड नहीं है, अगर रोड है तो उसके ऊपर बसेस नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारी समझ और हमारी कमेटी के माध्यम से हमने आश्वासन दिया है कुसुमटी क्षेत्र के लोगों को कि पिछले वर्षों में जो कुसुमटी क्षेत्र में लगभग 300 के करीब जो वायलेशंस हुए हैं, जिसमें अधिकतर लिंक रोड के हैं, जिसपे अब सरकारी रोड बनाना, पीडब्ल्यूडी रोड बनाना बहुत मुश्किल है।